क्या बात है। ए बाबू, आए दिन रोज घटना घटती रहती है और पेपर पत्रिका में आप लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हर चीज को, हर घटना को हम अपने गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेजने की कोशिश करते हैं और समाज को एक संदेश देने के लिए हम गीत गाते हैं कि समाज में एक नया रोशनी आए। हमारे गीत को सुन करके भी लोग कम से कम इस दुनिया में अच्छा काम करें, अच्छा से रहें, अच्छा से लोग कमाएं, अच्छा तालीम लें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चों को अच्छे जगह पर पहुंचाएं। एक और कहानी प्रकाश में आई है, जैसा कि आप लोग पेपर पत्रिका टेलीविजन पर भी खूब ये न्यूज चला, आप लोग देखे होंगे। कहानी कहां की है बाबू? कवि जी भूमिका के लाइन दिए हैं। कि वृथा जन्म बेटी तेरा हो गया, सो गया आज मानो की ममता मनवता, बिलखते गगन से वतन के फरिश्ते, शरेयाम सीना फुलाए दनोता, सिसकती कहीं सभ्यता दे सकी, सत्यता की कदर आज कम हो गई, ऐसी घटना घटी एम पी उज्जैन में, सुन के हैवानियत आँख नम हो गई। एक लाइन गजल का नमूना बा, पन्ना बड़ा सुंदर गजल का भाव दिखल गल। जगजीत सिंह एवनी गजल के गोले हूँ, आप लोगन सुने लग का तर्ज का लाइन बा मास्टर? आ
प्यार का पहला खत लिखनी में, प्यार का पहला आकाश सुनो इस गजल की, प्यार का पहला खत लिखनी में, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, अब ही विरह में नया रिसर्च बाबा, प्यार का पहला प्यार का प्यार का प्यार का प्यार का प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है प्यार का, क्या बात है, मगर गाना का भाव दिखल गया। कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखलन का कि पाप का पहरा, पाप का पहरा सच कहने में, पाप का पहरा सच कहने में सब सकुचाता है, समाप्त फरमाएंगे, नीच दरिंदों की करनी से, नीच दरिंदों की करनी से, नीच दरिंदों की करनी से सर झुक जाता है, नीच दरिंदों की करनी से सर झुक जाता है, पाप का पहरा सच कहने से सब सकुचाता है, पाप का पहरा सच कहने में बाबू नजम के लाइन में बतावल गई कहानी कहां से उठल बे, कहानी कहां कहो केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, मध्य प्रदेश में मशहूर जिला सतना है, ए बाबू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मशहूर जिला सतना है, थाना जैतवारा उनिया की घटना है, बारह वर्ष की बच्ची की ये विपत्ति है, माता भूल गई पिता पे आपत्ति है,
बूढ़ा दादा उस परिवार को चलाते थे, बूढ़ा दादा उस परिवार को चलाते थे, बगल के गांव मजी गांव में पढ़ाते थे। नित्य का काम था, नित्य का काम था, पढ़ाई करने जाती थी, शाम को लौट करके घर ओ चली आती थी। हमारे विरह के शुरुआत हो गई। घटना कहाँ के बा? मध्य प्रदेश में जिला सतना, जो उन रेलवे स्टेशन भी आप लोग देखेलन, सतना रेलवे स्टेशन भी बा। सतना में थाना जैतवारा और गांव का नाम उनिया, उहमे का घटना हो। एक परिवार के ऊपर ई विपत्ति का घटना घटल बा और वो परिवार एकदम साधारण परिवार, गरीब परिवार बा। घर में एक बूढ़ा बाप हुन, उनकर एक ही बेटा। बेटा के ब्याह शादी बेचारे कह दिहलन, घर में बहू भी आ गई लिन। समय के अनुसार वो बहू से एक लड़की भी पैदा भइल। लेकिन देखें पत्रिका में जैसा कि मीडिया वालों से ये खबर मिली कि जो बहू आई थी वो बहू का दिमाग कुछ हल्का था, हमेशा विक्षिप्त रहती थी। एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरे परिवार को छोड़कर बुढ़ा ससुर, पति और अपनी बेटी को छोड़कर अचानक वो घर से निकल पड़ी। कहां गई ये पता नहीं चला। बहुत लोग खोज भी नहीं किए लेकिन जब पता नहीं चला, पत्नी के गम में जो उसका पति था वो डिप्रेशन में रहने लगा और डिप्रेशन में रहते रहते अंजाम ये निकला कि वो भी दिमाग से संतुलित खो बैठा। अचानक अब वो लड़की और वो परिवार और उस बेटा का अब पूरा भार उस बुढ़ा बाप पर चला। बहुत तो गायब ही हो चुकी थी, बहुत खुज लोग बिन किए लोग नहीं मिली। अब बुढ़ा बाप परिवार को मेहनत मजदूरी करके किसी तरह चलाता था। जो नतिनी थी वो अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। उस गांव के बगल में ही एक गांव में स्कूल था, उसी स्कूल में नाम लिखवा दिया। बड़ी होनहार लड़की थी और रोज पढ़ने के लिए टाइम से जाती थी, घर पर टाइम से चली आती थी। यहाँ एक लाइन तर्जबा मास्टर का, तर्ज का लाइन बा। कौनो नया नया मेहरारू आइल बे घर में, गवना भइल बा, ससुरा में आइल बे नैहर से, अपना पति से जीत करतिया कि चली ना तनी मैहर जी के दर्शन करा दे। मर्दा समझावत का कहता, नाया नोहर बिकनिया बाड़ू मैहर जाए के जिद करतारू, अरे नाया नोहर बिकनिया बाड़ू मैहर जाए जिद कर तारू, झूठा ही के डल ले बाड़ू हमारा के झमेला में, झूठा ही के डल ले बाड़ू हमारा के झमेला में, धनिया हेराई जाइबू मैहर के मेला सरकार के उद्देश्य बा, सरकार के कहनाम बा,
हिंदुस्तान के सरकार के का कहना बा बेटी पढ़ावा बेटी बचावा बेटी बहिन के आगे बढ़ावा बेटी पढ़ावा बेटी बचावा बेटी बहिन के आगे बढ़ावा चल अभियान हिंदुस्तान के बचावे के चल अभियान हिंदुस्तान के बचावे के देश से दहेज वाला कोढ़ के मिटावे के बीतल पूछी साल के समैया आठवीं क्लास में वो करली पढ़ैया बेटा बेटी के जनया लगावा दादाजी हमके पढ़ावा लिखावा बेटा बेटी के जनिया लगावा दादाजी हमके पढ़ावा लिखावा बाटे विचार पढ़ के नौकरी कौनो पावे लड़किया कहतिया बाटे विचार पढ़ के नौकरी कौनो पावे के देश से दहेज वाला कोढ़ावा मिटावे के देश के लड़किया आठ में चल गई लड़की आठ में पढ़े लगल धीरे धीरे उम्र ओकर करीब करीब ग्यारह बारह बरिस के हो गल तो आठ में पढ़त बे रोज स्कूल से आवत बे तो अपने दादा के संगे मुँह लग्गू हो चुकल बे अब तक घर में उहे लड़किए बे एगो दादा से कहते कि दादाजी हमन के स्कूल में अभियान चलत बा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हमके हमार पढ़ाई मत छोड़ैया हम तो से वादा करत बानी कि हम पढ़ लिख के एक दिन अच्छा अफसर बनब हमनी के गरीबी दूर हो जाई आ हो सकी तो हम अपना माई के खोजवाइब माई कहाँ चल गई माई के पता ना चलल आप लोग कहला कि माई घर से तहर निकल गई तहर माई घर से चल गई उनका आज तक पता ना चलल बाबा बूढ़ बुढ़ोती का शरीर बा सुनत हो नतनी के मुँह से बात आँख से आंसू छलक जाता कलन की ना बेटा तोहके पढ़ाई ना छुड़ाई तोहके जितना हो सकी हमरा ओर से हम मेहनत मजदूरी का के तोहके पढ़ाई अचानक एक दिन भइल का बाबूजी कि 24 सितंबर 2000 24 सितंबर 2023 के दिनावा हो ए भैया घर वाला वटी के नाम अली भवनिया माथा चकराई गइल रहिया भुलाई गइल धैली हली गाड़ी जाके
सतनाय स्टेशनिया किस्मत फूटी गईली ए दादा उज्जैन पहुंची गईली पच्चीस सितंबर के सुनीला कहानिया तीन बजे भोरावा में भरत सोनी टेम्पू चालक ए बाबू जबरी ले गईले जीवन खेड़ी के सीवनिया जैसा कि मीडिया से ये प्रमाण मिला बाबू, वो लड़की 24 सितंबर को 2023, 24 सितंबर को स्कूल जाती है और पुनः शाम के वक्त में स्कूल से लौट कर नहीं आई। अचानक वो कैसे 24 सितंबर को ही रातों रात पहुंच जाती है उज्जैन स्टेशन पर, और जब उज्जैन चली गई कैसे गई अब मालिक जाने। उसके दिमाग में क्या आया, उतनी सी छोटी सी बच्ची की दिमाग में क्या आया। अब ये प्रमाण साक्षात अभी कुछ ही सही ढंग से मिल नहीं रहा है कि वो कैसे चली गई, कोई ले गया कि अपने आप चली गई, ये अभी पूरा सही प्रमाण नहीं मिला। इसलिए ये बताना उचित नहीं होगा कि वो लड़की कैसे चली गई। किसी तरह से 24 सितंबर को रात को ही, शामो शाम रात को ही उज्जैन स्टेशन चली गई, और उज्जैन में जाकर के उज्जैन स्टेशन से और कुछ दूरी पर एक जगह है, उस जगह से स्टेशन पर आती थी फिर जाती थी, आती थी फिर जाती थी। ये जैसा कि वीडियो कैमरा में मिला है, वीडियो कैमरा में ये चीज मिला है मीडिया के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, ये टीवी पर देखा गया। लेकिन इसी बीच रात को ही एक टेम्पू चालक जिसका नाम भरत सोनी बताया गया, 3 बजे भोर में उसकी नजर पड़ी है और भरत सोनी उस छोटी सी बच्ची 12 वर्ष की बच्ची को अपने टेम्पू में बैठा लेता है और ले करके जीवन खेड़ी निर्जन जगह है, एकदम शांत वातावरण सुनसान जगह, उस जगह पर ले जाता है और ले जा करके ओ सोनी नाम का चालक, भरत सोनी नाम का चालक उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। और जब दुर्व्यवहार करने लगा तो उस समय वो लड़की आंखों में आंसू लेकर के रोती है और भरत सोनी से कहती है, तर्ज बका तर्ज का लाइन बा मास्टर, है तर्जबा कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी सी बच्ची सलवार पहनी थी और वो नीच कमीना भरत सोनी
जब उस लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर के टेम्पू में, और जब उसके सलवार की डोरी खोलने लगा, उस समय वो रोती है, हाथ जोड़कर रो करके कहती है क्या कि भैया मेरे दामन में दाग ना लगाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, ना भुलाना भैया मेरे, हाँ भैया मेरे दामन में दाग ना लगाना, भैया मेरे मैं दुखियारी पिप दाकी मारी, कहती है कि भैया मैं दुखियारी बिपदा की मारी हूँ, मेरी अबरू मत उतारो भैया, मैं मेरी उम्र ही अभी क्या होता है, मैं तो तेरी बेटी के समान हूँ। और रोती है और कहती है क्या कि मैं दुखियारी बिपदा की मारी, बारह बरस की मां लाहू कुमारी, भैया मेरे दामन में दाग ना लगाना, भैया मेरे रोती रह गई उस रात के वक्त में, बिलकती रह गई वो लड़की, लेकिन पापी कमीना कुत्ते का औलाद भरत नाम का सोनी टेम्पू चालक नहीं माना, उस लड़की की एक न सुना, जबकि उसकी बेटी की तरह वो लड़की थी, बेटी की उम्र की लड़की थी। आखिर जो नहीं करना चाहिए उस लड़की के साथ भरत सोनी कर ही दिया, खून से लथपथ चिल्लाने लगी वो लड़की, छोटी सी बालिका, जब खून से लथपथ चिल्लाने लगी, कवि को लिखना पड़ा क्या कि सुन ले कसैया नाही, अरे सुन ले कसैया नाही, एक कहू दोहैया ये भैया, सुन ले कसैया नाही, उतारी लिहले अबरू उतारी लिहले, पापी नीर दैया ये भैया, भगवान हर इंसान को बेटी दिया है,
जिस इंसान को भगवान बेटी दिया होगा शायद इस बेटी की दर्द को महसूस करता होगा कि एक बेटी का दर्द बाप के सीने में कैसे शूल की तरह जाकर लगता है। खुनावा से लतपत भैली बेटी के शरीरिया हो, छोड़ी के फरार होई, छोड़ी के फरार होई, गईल दूराचारिया हो। पैदल उजैन भैली सुबह के समय आए भैया, ध्यान दीहन जब वो लड़की रोने लगी चिल्लाने लगी खून से लथपथ हो गई, ओ पापी गद्दार कुत्ते का औलाद भरत नाम का जो सोनी टेम्पू चालक था उस लड़की को छोड़ करके भग गया, अपनी टेम्पू लिया और लड़की को वहीं छोड़ करके भग गया। रात की वक्त है, देखें ओ 12 बरस की बेटी खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए अर्ध नगन में खून से लथपथ पैदल चलने लगी, लोगों से सहारा मांगने लगी लेकिन कोई उसे सहारा तक नहीं दिया। प्रमाण मिला कि 5 बजे भोर में बाबा 5 बजे सुबह में वो उज्जैन एक कॉलोनी में जाती है, हर दरवाजे पर जा करके गुहार लगाती है लेकिन जिसके दरवाजे पर जाती थी वो बेटी उस दरवाजे के लोग दुत्कार करके भगा देते थे। उस कॉलोनी का नाम बताया गया बड़नगर कॉलोनी। इसी तरह से कॉलोनी में जब कोई जगह नहीं मिला, कोई उसे मदद नहीं किया, तन पर कपड़ा तक नहीं दिया, गुरुकुल था, गुरुकुल के सामने जब वो लड़की जाती है, एक गुरु कुल के शिक्षक थे जिनका नाम राहुल शर्मा बताया गया, जैसे कि पत्रिका में पेपर में ये प्रमाण मिला। राहुल शर्मा जब उस लड़की को देखते हैं खून से लथपथ अर्ध नगन में कलप रही है, रो रही है, दुनिया के लोगों से गुहार लगा रही है, धन्य है ये धरती जहां पर रावण अगर रहता था तो यही धरती थी कि वहां राम भी पैदा होते थे। ओ गुरुकुल के शिक्षक राहुल शर्मा ने अपने शरीर पर से चादर को उठाया और उस बेटी के तन पर चादर से ढक दिया, चादर से उस बेटी का तन ढका और तुरंत पुलिस प्रशासन को खबर किया। नतीजा निकला क्या बाबूजी? तेरी के बात कभी दिहलन है। कहल गई कि परिंदा भी शर्मिंदा हो गए, परिंदा भी शर्मिंदा हो राम, परिंदा भी शर्मिंदा हो गए, भोले की नगरी को गंदा किया दरिंदा। तब नतीजा निकलल का कवि जी के भाव लिखे के पड़ल, यहां तर्ज बका तर्ज के लाइन बा मास्टर। तर्ज से सुंदर हमरे विरह का भाव बा तर्ज बा का कि महाकाल पुलिस तति काल चलल
महाकाल पुलिस तत्काल चलल जब अपन जाल बिछवले हो सारा सबूत उपवले हो कैमरा टेम्पू चालक से पूछता थी जब कैले हो तब भरत सोनी पकड़ले हो जब बाबू उस लड़की को पुलिस आई और ले जाकर के अस्पताल में भर्ती की है, धन्य है देश की पुलिस, अपना खून दे करके और उस बेटी की जान लोग बचाए। आज लड़की अस्पताल में भर्ती है, जब तक ये गाना लिखा गया था तब तक वो लड़की बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन प्रशासन विभाग प्रशासन वहां की अब सीसीटीवी कैमरा को लोग खंगारने लगे। अंजाम निकला क्या बाबू? तरज बका तरज के लाइन बा मास्टर के सगुन निर्गुन दोनों पक्ष में करके गावल जाला। के खूट भी जले के कराही रोवाले धोती के खूट भी जले के कराही रोवाले या चरावा हो जब लड़की बाबू होश में आई है, अपना परिचय बताई है और परिचय जान करके प्रशासन विभाग उसके परिवार को खबर देती है। जब पुरनिया जेकर चौथा पना गई बा दादा के पता चलल कि हमार नतिनी बहक के चली गई बे उज्जैन में, ओकरा साथ ऐसन दुर्घटना घट गई बा, वो समय रोवत धोवत अस्पताल में आई बड़न। जब नतिनी के दादा देखलन आए हाय 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 कलेजा फाटे लागल, कवि के भाव देवे के पड़ल का पवले खबरिया जब दादा जी बखारिया और वो थे अस्पताल में दादा और नतनी के देख के दादा एक बात कहते हुआ का हमारो बुढ़ावा टीके हमारो बुढ़ावा टीके टूटली ठेंगुरिया हमारो बुढ़ावा टीके टूटली ठेंगुरिया। अली को यही मंजूर था और जो होना था वो तो हो गया। कभी कभाव लिखे के पड़ल का लिखलन
किस के गगनवा में हाँ शिश के गगनवा में सूरज और चनवा बाबू धर्मी धरतिया रोवेली बिलखाया सीता सवित्री रोवे सती अनसुईया दादा सीता सवित्री रोवे सती अनसुईया दादा आज भी इलाज चलत बाट बिटिया के भैया कब आवे होश कब जाली मुरझाया उजैन एसीपी सचिन शर्मा जी बोललन उजैन एसीपी सचिन शर्मा जी बोललन दोषी के कठोर दंड मिली मोरे भाया शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बोललन बाबू हाँ बेटी के मुआवजा मिली दोषी के सजाया उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा बेटी को देख करके बोला कि दोषी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बोले हैं मीडिया वाले में जैसे खबर आई है और मीडिया वालों को मिला तो मीडिया वालों से सुनने का मौका मिला। शिवराज चौहान वहां के मुख्यमंत्री बोले कि बेटी के लिए जितना मुआवजा होगा हमारे तरफ से बेटी को दी जाएगी और दोषी को भारी से भारी सजा दी जाएगी। लेकिन आप लोगों से हमें कहना है, क्या कहना है बाबू? आज लाज से झुकल सब कर नजरी उज्जैन नगरी में अधर्म का झंडा कैसे कायब फहरी उज्जैन नगरी में में भैले भक्ति से भरपूर हो दूसरा भरत के नाम से भारत वर्ष बनल मशहूर हो पापी भरत पीसलन जेल में चकरी उज्जैन नगरी में पापी भरत पिसलन जेल में चकरी उज्जैन नगरी में अधर्म के झंडा कैसे के अब फहरी उज्जैन नगरी में हमार कहनाम बाकी एगो त्रेता जुग के भरत रहल दूसरा भरत भैलन शकुंतला का बेटा जेकरा नाम से भारतवर्ष बनल आई तीसरा भरत पापी कलयुग में भइल जवन की भरत टेम्पू वाला भरत सोनी टेम्पू वाला आज जाके जेल के अंदर सजाए भुगतत बा। तो बाबू ऐसन हमन को सोने का चिड़िया होखल जात बा। हमार कहले के इतने मतलब बा कि बार जमाना एक वक्त था जो हिंदुस्तान भारतवर्ष को लोग सोने का चिड़िया कहा करते थे। आज सोने का चिड़िया कहे में शर्म आवत बा। आज के लोग कैसन होकल जात पाना आए दिन रोज ऐसन खबर मिलत बा। अबार सरकार सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। क्यों आप नारा लगाते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
जब ऐसे ही लोग इस दुनिया में रहेंगे तो क्या बेटी पढ़ेगी और क्या बेटी बचेगी। गाना के अंतिम लाइन में कहल गई का, जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश है फूल, कथन करे कवि अनुज लाल नसार मितवा मत जाना भूल हो। अरे परिंदा भी शर्मिंदा हो गए, ए भैया परिंदा भी शर्मिंदा हो गए। चलिए अकेला चलिए अकेला चलिए अकेला